सारे भाई है ना भाई मेरी, राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दो चार से सवाल है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सा इंटरव्यू नहीं है और माहौल के हिसाब से बात करेंगे, ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं, लेकिन जो पॉइंट हैं सो हैं। हम बात करेंगे आज सिरसा में इलाहाबाद इलेक्शन पर सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल जी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैम पहली बात तो आज आपका एक बहुत बड़ी रैली थी, मेरे को लगा नहीं ज़्यादा सी सक्सेस हुई, वो पीछे कुर्सियाँ खाली थी। लेकिन प्रश्न ये है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसने अलाउड नहीं कर रखा, फिर भी आपने रैली कर दी, क्योंकि भाजपा की सरकार है इसलिए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कार्यक्रम करे, रोड शो रैली कर नहीं सकते, ऐसे कैसे नहीं कर सकते? आप जो भी वहां पर रैली की गई है उसका आप जो अधिकारी हैं उनसे पता करवाइए। ये आपका सवाल ही गलत है। ये हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वो ऐसा प्रोग्राम करे कि जिसके अंदर हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए। हमें इलेक्शन लड़ना है भैया। मैंने ऐसा सुना था कि रैली नहीं कर सकते, सुनी सुनाई बातों में मत जाओ, सुनी सुनाई बातों में मत जाओ, कर सकते हैं सब। आप फैक्ट्स लेकर आओ जी, फैक्ट्स के साथ मेरे पास आओ, मैं हमेशा फैक्ट्स पे। मतलब रैली कर सकते हैं? रैली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ड्यू टू कोरोना ऐसा रूल सुना था मैंने कि भी आया है कि इसमें ज्यादा सा उसके अंदर इलेक्शन नहीं, उसके अंदर संख्या है कि इतनी संख्या अगर है तो आप कर सकते हैं। तो आप ये सवाल मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन मतलब रैली कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि आप अधिकारी के पास जाएं, उनसे पूछें कि ये, और बल्कि अगर कुछ ऐसा है तो आप उनसे सवाल करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कानून के अगेंस्ट नहीं जाती। तो मतलब आपके हिसाब से रैली कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, मैं फिर वही बात, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, आप अधिकार जो सवाल जिसका बनता है उसे पूछिए ना, मुझसे आप कैंडिडेट के बारे में पूछिए, हमारे संगठन के बारे में पूछिए, हमारी पार्टी के बारे में पूछिए, आप नहीं। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो सवाल जिसका बनता है तो आप ये अधिकारी से पूछिए कि अगर हमने गलत किया है तो आप उनसे पूछिए भी आपने किस 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 विनय पर करवा दिया ये, और अगर करवा सकते हैं तो ये सवाल ही नहीं बनता। ओके चलो, अब हम थोड़ा दूसरा कूल सा एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। मैम मैंने जब कुछ महीने पहले सेंट्रल मिनिस्टर की तैयारी चल रही थी, आप और ब्रजेंद्र जी भी बाहर गए थे दिल्ली में, लेकिन पद वो मिल नहीं पाए, कारण क्या रहा? ये भी आपका बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। तैयारी नहीं चल रही थी, मैंने सुना था कि आपको भी या ब्रजेंद्र जी को एक पद मिल सकता है हरियाणा की तरफ से सेंट्रल मिनिस्टर का। भाई जितने आपने सुना इतने मैंने भी सुना था। आप गए तो सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ, मैं फिर बार बार आपको आप गए नहीं थे, आप फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करो जी। मैं कहाँ गई थी? आप और ब्रजेंद्र जी की तैयारियां चल रही थी, सुना था आप भी दिल्ली गए हैं, ब्रजेंद्र जी भी गए हैं। दिल्ली तो हम रहते ही हैं, दिल्ली उनका भी आवास है, दिल्ली मेरा भी आवास है, तो हम दिल्ली हमारा जाना ये तो कोई सवाल ही नहीं। उनका भी वहीं पर निवास है, मेरा भी वहां पर निवास है दिल्ली में। तैयारियां तो चल रही थी, तैयारियां कैसे चलती होती है जरा मुझे बताओ, तैयारियां कैसे चलती हैं? भाई सबके नाम आ गए हैं कहीं ना कहीं, स्ट्रांगली पूरे हरियाणा से आप लोगों का ही नाम था जी। हमने किसी हलवाई को कह के कोई लड्डू बनवा लिए थे, तैयारियां कैसे चली हमारी बताओ? लड्डू तो जिनके बने थे वो भी रह गए, वो भी दूसरी पार्टी को बेचने। तैयारियां किसको कहते हो आप, कैसे तैयारियां होती हैं मुझे जरा बताओ। मार्केट में जब बातें चलती हैं आपके ही उम्मीदवार, आपके ही जब मार्केट में बातें आप जैसे लोग ही चलाते हैं। मैं तो जी कभी नहीं चलाया करता, इसी बात कभी नहीं चलाई। तो फिर आपने देखो ये आपका दूसरा तीसरा सवाल है, और दूसरे तीसरे सवाल में आपने सुनी सुनाई नहीं। अब मैं 100% कहूंगा तो फिर आपने को लिखित में दिखाओ, मैं तो जी कानूनी पचड़े पड़ जाऊंगा फिर। नहीं तो बिल्कुल देखो, सूत्रों के हवाले से तो खबर ऐसी ही होती है। नहीं नहीं सूत्र नहीं, आप तथ्य के हिसाब से बात करो, मुझे जो है मैं बिलीव करती हूँ तथ्यों के हिसाब से बात करने पे। मैं आप कभी भी आप नोटिस करना, मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करूंगी। अगर मैं कुछ नहीं करवा सकती ना तो मैं हाथ जोड़ लूंगी कि भाई मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं नहीं करवा पाई, मैंने कोशिश करी पर मेरे से नहीं, लेकिन मैं कभी भी आपको सुनी सुनाई बात नहीं कहूंगी। लेकिन आज आप यहाँ के सांसद और आज आपकी एंट्री हुई है, इतना लेट क्यों? कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरह भाजपा में भी कोई खेमेबाजी तो नहीं तैयार होगी? क्या बात है, ये भी फिर सुनी सुनाई, ये तो लग ही रहा है जी। नॉमिनेशन करवाने कौन आया था? एक दिन आप आगे नहीं, नॉमिनेशन के अंदर कैंडिडेट के साथ कौन था? मान लिया आप थे, लेकिन फिर मान लिया खेमेबाजी तो ऐसी ही होती है। आप पत्रकारिता की धार तेज करो। नहीं मेरी तो बहुत नहीं, मेरे आपको सलाह है कि अपनी पत्रकारिता की धार को तेज करो। भाजपा से सुने सुनाई सुने सुनाई और आप बहन जी, मैं भाजपा से तेज नहीं कर सकता। नॉमिनेशन किसने कराया? आपने करा दिया, नहीं कराया ना, उसके बाद तो आप दिखे ही नहीं। फिर कैसे कह सकते हो कि मैं उसके बाद आप दिखे ही नहीं? नहीं दिखना जरूरी है क्या? और क्या जी,
दिखना जरूरी है, वही तो बिकेगा। अब आप आएंगे नहीं तो लोगों को लगेगा भाई यही की सांसद है, वो दिख ही नहीं रही है जो गोविंद का, देखो गोविंद जी के साथ। हमारे संगठन में हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है, किसी कार्यकर्ता को जो है कई बार दिख के दिखाना होता है, काम करना होता है, किसी किसी कार्यकर्ता को कई बार जो है वो अंदर के काम दिए जाते हैं। तो ये कह देना जो है कि जी आप दिखे नहीं, मैं कह रही हूँ कि नॉमिनेशन को मैं थी, नॉमिनेशन मैंने ही करवाया बल्कि मैं ही थी कैंडिडेट का, अपनी फॉर्मेलिटी सी लगा, अपनी फॉर्मेलिटी सी करके अपनी एंट्री दिखा के अपना ना, फिर आज वाले को भी कह दियो कि फॉर्मेलिटी सी करी आपने, स्पीच दी और बस खत्म। ये देखो ये अपनी पत्रकारिता को धार दो, भाजपा की तरह धार नहीं दे सकता जी मैं। अच्छा तीसरा चौथा प्रश्न मेरा, फिर सुना सुनाया मत करना प्लीज, नहीं अब की बार तो मैं थोड़ा सा सुनी सुनाई भी करूंगा ऐसे तो मैं अगर 100% मैं फंस जाऊंगा आपके जो चक्कर में, आप तो फंसे फंसाए हो ये तो मैं जानू जी, पत्रकार जो राजनीतिक दलों में फंसी जावे, जो निहंग वाला सीन हुआ कहीं ना कहीं इसमें सरकार ही दोषी तो नहीं है? देखो फिर वही बात, सबने देखा कि किस तरह का घृणित कार्य ये हुआ जी, और जिन्होंने ये किया वो अब सलाखों के पीछे हैं जी, और ये बहुत बड़ी एक तरह से मैं कहूँगी कि साजिश सिख धर्म को बदनाम करने की थी जी। सरकार अपना काम कर रही है और सिख धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जो है गुरुद्वारे के अंदर एक पाठी जी जो हैं उनकी स्पीच मैंने सुनी कि उन्होंने जनता के सामने बिल्कुल खुलकर ये बात कही कि सिख धर्म का सच्चा जो अनुयायी है वो इस तरह का काम नहीं करेगा, अगर किसी ने बेअदबी करने की कोशिश की भी थी तो कानून अपना काम करता, लेकिन उसको इतनी बेदर्दी से उसको इतनी बुरी तरह से मार देना मुझे लगता है कि इससे जैसा इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता, और उसकी सज़ा दोषियों को कड़ी से कड़ी मिलेगी इस बात की सरकार की तरफ से मैं आपको गारंटी देती हूँ। ये हुआ हो ही क्यों पाया, इतने लंबे समय से आंदोलन जो चला हुआ है, आप सही हैं वो सही है गलत कौन है, या तो आप उनको उठा नहीं पा रहे या उनकी बातें नहीं मान पा रहे, अगर ये उसी तरीके से और लंबा चलता रहा कहीं ना कहीं असामाजिकता इसमें बीच में होती रहेगी, आप भी अपना पल्ला झाड़ लोगे वो भी अपना पल्ला झाड़ लेंगे, आम जनता परेशान होती रहेगी। देखिए ऐसा है कि कई बार आपकी तरफ से स्ट्रॉन्गली डिसीजन क्यों नहीं होता? नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल स्ट्रॉन्गली डिसीजन है, हम बार बार आपके माध्यम से ये कहते हैं कि हमारे जो भी जो आंदोलन करने वाले जो भी हमारे भाई हैं वो आगे आएं, सरकार के साथ बात करें और बातचीत के माध्यम से इसका कोई समाधान निकालें, क्योंकि बिना बातचीत के इसका समाधान नहीं निकल सकता है। लेकिन इस आंदोलन की आड़ लेकर जो भी कोई इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, जो भी जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो हैं, सरकार की पूरी निगाह उन पर आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहे हैं, आप देखिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, पूरा काम होता है तभी आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। भैया ऐसा है हमारे पत्रकार जी, आपके मन के अंदर क्या है ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपके अंदर एक सच्चा इंसान है या आपके अंदर शैतान बैठा है, ये मैं थोड़ी देख के बता सकती हूँ। आम जनता तो परेशान हो रही है ना? नहीं तो हाँ बिल्कुल परेशान हो रही है, और सरकार जहाँ कहीं पर भी सरकार को नजर आती है चीज, सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। आप ये देखिए कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 112 जो सिस्टम शुरू किया है उसके अंदर जो है इतनी हमारे नागरिकों को हमारे आम जनता को सुविधा मिल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, बहुत जबरदस्त है, 15 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाती है। और अभी अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारे पुलिस के भाइयों ने दो दिन की बच्ची 10 मिनट के अंदर अंदर उसके पास पहुंचकर उसकी जान बचाई, वो नीली पड़ चुकी थी और उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, उसकी जान बचाई। जब इतने सेंसिटिव काम आप कर पा रहे हैं तो जी किसान आंदोलन में समस्या कहाँ आ रही? नहीं मैं आपकी बात कर रही हूँ ना, आप ये कह रहे हो कि जी जब हो जाता है तो तब तो अब आप ये बताइए कि कोई अगर उस बच्ची को रख गया तो ये सरकार को या पुलिस प्रशासन को कोई सपन थोड़ी आ रहा है कि कोई अपनी बच्ची को इस तरह से सड़क के ऊपर रख के चला जाएगा। नहीं ये बात फिर कहीं और चली जाती है, मैं आता हूँ किसान आंदोलन पे, आप कहीं और सेंटीमेंट्स को जोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि भाई इतने दिन से वहाँ पे किसान जो बैठे हैं, जो शहीद भी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप उनको खालिस्तानी भी बताते हैं, खालिस्तानी कह के आप उनको पकड़ते भी नहीं, कहीं ना कहीं वो किसान अगर सही है तो उनकी भावनाओं को आप समझ भी नहीं पा रहे, वो मामला कब तक चलता रहेगा? देखिए मैं यहाँ पे भी आपका विरोध चल रहा है, आपके माध्यम से मैं हमारे किसान भाइयों से जो उसके अंदर हैं, मैं सिर्फ आपके माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ कि वो आगे आएं और आगे आकर इस बात का समाधान निकालें। बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा, इसके अलावा इसका समाधान निकल नहीं सकता कि हम ये सोचें ये कानून है, कानून पास हुआ है और हम ये सोचें कि अब ये कानून जो है वापस हो जाए। कानून के अंदर संशोधन होते होते हैं, अपनी बात लेकर आएँ, 1, 2, 3, 4, 10 ये कहें कि हम ये 10 संशोधन चाहते हैं उसके अंदर, और वो लेकर जाएँ। हमारे कृषि मंत्री जी हैं,
वो और उसके साथ में बाकी जो सभी मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं वो देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर ऐसी संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं, जो हमारे किसान भाइयों के हित में हैं, और उसका समाधान निकालें। तो मुझे लगता है कि जब तक दोनों पक्ष जो है वो आगे आकर इसका समाधान निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे कि ये आंदोलन खत्म हो और हमारी आम जनता को उससे जो नुकसान हो रहा है, जो उनको परेशानी हो रही है, वो परेशानी ना हो। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा जी, सुनने में ही आया है, मैं फिर से आपको सुनने में ही आया जी, आपके 79 गाँव में, एलनाबाद के 79 गाँव हैं, उनमें 16 गाँव ऐसे बताए गए हैं जिनमें भाजपा की मात्र 1000 वोट भी नहीं है, इस बारे में आपका क्या कहना? नहीं, किससे सुन लिया आपने? देखिए, जो मेंबर पार्लियामेंट, अगर ऐसा है तो इलेक्शन कैसे जीते? मेंबर पार्लियामेंट का जो चुनाव था उसके अंदर हम लोग 28,000 से 30,000 वोटों से वहां से एलनाबाद विधानसभा से जीते हैं। तो ऐसे उसमें जो है ये कह देना कि जी वहां पर आप जो हैं इतने वोट हैं आपके, वहां पर इतने वोट हैं, ये तो जो 30 तारीख को जो वोट डालेंगे ना, उसके बाद जो 2 तारीख को रिजल्ट आएगा उसी से पता लगेगा। इसे फिर सुनी सुनाई बातों पे आप प्लीज मत जाओ, थोड़ी सी अपने अपनी पत्रकारिता में थोड़ी धार लेकर आओ। हाँ, मैं भाजपा जितनी ला नहीं सकता जी, वही बात फिर आती है। मैं क्योंकि आज जो राम रहीम जी के ऊपर जो केस चला था, उसको उनको उम्र कैद की सजा होगी, कहीं ना कहीं वो समर्थक भी आपसे नाराज हैं। जो तंवर साहब है उन्होंने भी इन लोगों को समर्थन दे दिया, तो हर जगह से ये लगता है कि भाजपा को तो कोई समर्थन देने आ ही नहीं रहा है, तो जीतेंगे कैसे? देखिए, अंतिम प्रश्न बस, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन जी, जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन जी, गोविंद जी की खुद की इतनी समाज सेवा जो उन्होंने करी है वो, और जनता का प्यार, ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा, इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये हैं सुनीता दुग्गल जी, और सच बताऊं 10 सांसदों में सबसे दबंग एक यही मुझे सुनाई में देता है, इसलिए ऐसे सवाल कर लिया, अदरवाइज तो मैं ऐसे सवाल करता नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।